युग परिवर्तन के कुछ सबसे बड़े सबूत जिसे देश और दुनिया की मीडिया काफ़ी लंबे समय से छुपाने की कोशिश कर रही है, पर पीटी गुरु जैसे कुछ लोग ही इसको बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये जानना चाहिए क्योंकि ये आपसे ही जुड़े हुए हैं, जिसका आप सब लोग वेट कर रहे हैं, जिसकी आप सब लोग बात कर रहे हैं, ये सीधा उसी से संबंधित हैं। तो आखिर ये चीज़ें हैं क्या, इसको कैसे समझा जा सकता है, उसके लिए एक फुल डिटेल में हिंदी डब वीडियो डाला गया है। तो उसका मैं एक छोटा सा भाग आपको दिखा रहा हूँ, आप वो देखिए, आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि आखिर ये चीज़ क्या है, क्यों है और कब से हो रही है और इसका मीनिंग क्या है। तो आप लोग छोटा सा हिस्सा देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में फुल वीडियो का भी लिंक है, तो वो भी आप जाके जरूर से देख सकते हैं। इस विश्व में अनेक ब्रह्मांड है तथा प्रत्येक ब्रह्मांड में अनेक लोक, क्योंकि इसके बिना अच्छी सभ्यता संभव नहीं है। वेद में ये प्रारंभ से ही ज्ञात है। वेदों में 14 लोकों का वर्णन है, जहां 7 लोक ऊपर हैं और 7 लोक नीचे एवं धरती मध्य में है। अनेक ब्रह्मांडों को मल्टी डायमेंशनल वास्तविकता से अब विज्ञान भी परिचित हो रहा है। गणित, भौतिक विज्ञान तथा विज्ञान सब स्वीकार करते हैं कि हम एक मल्टी डायमेंशनल संसार में रहते हैं, ना कि एक डायमेंशनल दुनिया में, जहां केवल एक डायमेंशनल लोक के अतिरिक्त अन्य कुछ भी उपस्थित नहीं है। फसल चक्र, क्रॉप सर्कल, ये एक अद्भुत घटना है जो फसल चक्र यानी क्रॉप सर्कल के नाम से जानी जाती है। उन्हें क्रॉप डिजाइन यानी फसल रचनाएं बोलना चाहिए। असल में ये घटना दुनिया भर में घटित होती है, लेकिन ये मूलभूत रूप से इंग्लैंड के एक विशेष भाग में होती है जो कि बहुत ही प्राचीन भूमि है। ये भूमि ले लाइंस से चिन्हित है, जो कि पृथ्वी की चुंबकीय रेखा में मैग्नेटिक लाइंस है। ये मैग्नेटिक लाइंस इस क्षेत्र से गुजर रही है, ये अबेरबरी क्षेत्र कहलाता है, और यहाँ स्टेनहेज तथा सफेद घोड़े चिन्हित है। वहाँ होता क्या है कि जब किसान उन खेतों में गेहूं उगाते हैं और जब वो फसल एक लंबाई को उपजाती है, तब उनमें क्षण भर से भी कम समय में ये रचनाएं बन जाती है। कैमरे की फ्लैश करने में जितना समय लगता है, उतने में ही ये फसल रचनाएं बन जाती है, जो कि हजार बाई हजार गज के घेरे में उन खेतों में बनती देखी गई है। ये कुछ ऐसा होता है जैसे कि समूचे फसलों के मैदान में सब कुछ सामान्य है और अचानक से अगले ही क्षण में आपको एक विशाल रचना दिख जाएगी। और किसी भी गेहूं के फसल की डंठल को कोई क्षति नहीं पहुंचती। ये फसलें मानो जैसे कि किसी बल के प्रभाव से नीचे खींच जाती है और इन पर जैसे एक मोहर का ठप्पा लग जाता है, वो भी बिना फसलों के टूटे। किसी भी फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और फसलें फिर भी आती रहती हैं, और उन फसलों में से गेहूं भी निकलता है आखिर में। अभी तक कोई भी वैज्ञानिक इन घटनाओं को समझ नहीं पाया है। ये वास्तव में सबसे अधिक भौतिक घटना है जो इस धरती पर हो रही है, परंतु विज्ञान इसे समझा नहीं पाया है, और इस पर मेरी अपनी व्याख्या है।
फसल रचनाएं क्या हैं? इन घटनाओं में असल में जो हो रहा है वो वास्तव में सीधा एवं स्पष्ट है कि दूसरी डायमेंशनल दुनिया हमारे इस 3D दुनिया के बीच में है। बिटवीन व्हाट वी कॉल द अदर डायमेंशंस एंड रियलिटीज आर मिंगलिंग विद द 3D वर्ल्ड। मैं जो देखता हूँ वो ये है कि वो 4D दुनिया में आया एक मोहर है हमारी 3D दुनिया में। उदाहरणार्थ जैसे अगर आप 3D दुनिया में हैं और कुछ लोग हैं जो 2D दुनिया में हैं, तो ऐसे में अगर आप एक सेब रखेंगे अपनी 3D दुनिया में तो उनकी 2D दुनिया में क्या होगा कि उन्हें केवल उतना ही भाग दिखेगा जितना वो सेब अपनी दुनिया से पार होते हुए उनके समतल को स्पर्श करेगा। वो पूरा सेब नहीं देख पाएंगे, वो केवल शायद कुछ बिंदुएं देख पाएंगे जहां जहां उस सेब ने स्पर्श किया होगा। उन्हें अचानक से कुछ बिंदुएं दिखाई देने लगेगी क्योंकि वो ऊपर नहीं देख सकते, इसलिए उन्हें केवल कुछ बिंदुएं प्रकट होती नजर आएगी। और यहां यही हो रहा है हमारे साथ। हम 3D संसार में हैं और अगर कुछ 3D संसार में आके इस दुनिया में किसी प्रकार का मोहर छपेगा, ये कुछ रखेगा, तो हमें उसकी 3D छाप ही दिखेगी। तो वास्तव में उस घटना की छाप है, और क्योंकि 3D घटना है इसलिए वैज्ञानिकों के पास इसके विषय में बोलने के लिए कुछ नहीं है। और यह फसल रचनाएं हर प्रकार से उत्तम व सटीक है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि ये फसल रचनाएं मनुष्य द्वारा ही बनाई गई है। उन्हें यह कहना चाहूंगा कि अगर आप ये डिजाइन कागज पर भी बनाने का प्रयास करेंगे तो ये हाथ से बनना बहुत कठिन है। खेतों में जाकर इतने बड़े पैमाने पर बनाना तो दूर की बात है, किंतु इस ओम डिजाइन का एक गोल आकार भी आप हाथ से बनाने का प्रयास करेंगे तो आपसे सटीक गोला नहीं बन सकेगा। आपको कंपास या ज्यामिति यंत्रों की आवश्यकता पड़ेगी एक परिपूर्ण सटीक गोल बनाने के लिए, लेकिन उन गेहूं के मैदान में कोई कंपास नहीं मिलेगा। बात यह है कि जब कागज पर ही एक साधारण गोल आकार बनाना इतना कठिन है, तब तो इन मैदानों में 70-70 गज या 100-100 गज का यथार्थ एवं स्पष्ट और पूर्णतः सटीक गोल आकार बनाना असाध्य है। जब ये कागज पर ही असंभव है तो उन विशाल मैदानों में संभव होना तो दूर की बात है, और वहां कोई उच्च तकनीक के उपकरण नहीं होते लोगों के पास जिनसे वो ऐसे विशाल फसल रचनाएं बना सके। और अगर वो ऐसे उपकरणों का प्रयोग कर रहे होते तो वो सबको आसानी से दिख चुके होते। क्रॉप सर्कल, फसल रचनाएं, अन्य पारलौकिक घटनाएं जैसे भूत प्रेत आदि की तरह नहीं है। भूत अथवा अन्य पारलौकिक घटनाओं में लोग कह सकते हैं कि उन्होंने कोई भूत नहीं देखा लेकिन कैमरे से तस्वीर में खींच गया, लेकिन ये घटना ऐसी होती है जो कि सार्वजनिक दृष्टि से प्रत्यक्ष है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये घटनाएं नहीं घट रही है, इनकी तस्वीरें खींची जाती है, हवाई यान इनकी फुटेज लेते हैं, ये सबको देखने के लिए खुला है। इस घटना को किसी भी प्रकार से नकारा नहीं जा सकता है, यहां तक कि वैज्ञानिक भी इसे गंभीरता से लेते हैं।